वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। तो आज का वीडियो मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, तो अगर कुछ एडिटिंग में मिस्टेक हो तो मुझे माफ़ करना। सो फाइनली गाइस, द फ्यूचर हैज जस्ट बिगन फ्रॉम 2019, क्योंकि इंडिया में द फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है रिवोल्ट की तरफ से RV 400, मतलब रिवोल्ट RV 400। तो ये बाइक बहुत दिन बाद नहीं, जस्ट जुलाई के एंड में इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और इसके बेस्ट बात यह है कि इसके प्री बुकिंग्स अमेजोन पे स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 25 जून 2019 से शुरू होने वाले हैं। तो जिन्हें मन है वो चाहे तो प्री बुक कर सकते हैं। और बिना टाइम वेस्ट किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूँ। इस वीडियो में आपके फुल स्पेसिफिकेशन बताऊँगा और इसके कुछ मेन फीचर्स के बारे में। Revolt RV 400 is gonna be the naked sport motorcycle with a hexagonal headlamp with LED DRL and LED central lamp. ये electric bike lithium-ion provide करेगी with ARAI certified. ARAI का मतलब है Automotive Research Association of India, ने खुद verify किया है कि ये motorcycle lithium-ion battery provide करती है कि नहीं। Company ने claim किया है कि ये bike full charge में 156 km/h cover कर लेगी। It comes with dual colors, Rebel Red and Cosmic Black with dual channel ABS, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके एक और फीचर के बारे में बता दूँ दोस्तों, तो ये फुल इंस्ट्रूमेंटल स्पीडोमीटर के साथ आने वाला है, जो बहुत सारे एसेंशियल फीचर्स इंफॉर्मेशन शो करेगा, जैसे स्पीड, माइलेज, टॉप स्पीड, बैटरी रेंज, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और मेरा ऑल टाइम फेवरेट GPS नेविगेशन। इसका टेल लैम्प जो है वो बहुत ही अग्रेसिव है, टी शेप टेल लैम्प, जो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक बाइक है, इसमें साइलेंसर प्रोवाइड नहीं होता है, तो कंपनी इसके राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए 3 एग्जॉस्ट के साउंड के ऑप्शन दिए हैं, जो सिर्फ बजेंगे। इसके कुछ दूसरे फीचर्स भी बताना चाहता हूँ, तो दोस्तों जो मैंने छोड़ दिए एडिटिंग में मिस्टेक्स हुए हैं, तो ये बेल्ट होने वाला है, चेन नहीं होने वाला, जो कहीं ना कहीं मुझे एक डिमेरिट लगा। बेल्ट का डिमेरिट यह है कि बेल्ट अगर सही से नहीं लगता है तो वो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाता है, मतलब अप्रॉक्स 20,000 किलोमीटर ही चल पाता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो सबसे बेस्ट चेन ही होता है। और इसका एक और फीचर मुझे अच्छा लगा, वो है इसका टेल लैम्प, जो टी शेप टेल लैम्प है, जो कहीं ना कहीं होंडा के एक्सप्लेट जैसा सिमिलर है। अगर ये वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।